शुगर केन जूस को पीने के बहुत सारे फायदे हैं, आप सभी को पता होंगे। गर्मियों में तो हर कोई इसको पीता ही पीता है। तो गन्ने के रस को सिर्फ पीने के ही फायदे नहीं है, इसको अगर आप चेहरे पर भी अप्लाई करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर बिल्कुल कर ही देना। और मेरे घर के पास थोड़ा सा नॉइस हो रहा है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, उसको अवॉइड कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो शुगर केन जूस होता है उसमें होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन, साथ ही साथ ग्लाइकोलिक एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। और ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, स्किन को हेल्दी रखने में बहुत अच्छा काम करता है। जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है, स्किन से एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस को बहुत जल्दी रिमूव करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक DIY नेचुरल केमिकल पील शेयर करूंगी। अब पीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन ऐसे पील हो जाएगी। अगर आप इतना हार्ड पीलिंग चाहते हो तो आपको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स ही करते हैं। पर अगर आप घर पे करते हो या जो मार्केट में भी पील्स अवेलेबल हैं, जो ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक पील्स होती हैं, वो बहुत ही माइल्ड होती हैं, वो इतनी हार्ड नहीं होती हैं कि आपकी पूरी स्किन ही निकाल दें। और वैसा पील आपको घर पे करना भी नहीं चाहिए। तो ये पील आप अगर वीक में एक बार करते हो ना तो हल्की हल्की स्किन रिमूव होगी, एकदम से ऐसा कुछ काम नहीं होगा। तो जो पील या आप इसको कोई मास्क भी कह सकते हो जो शेयर करने वाली हूँ, इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो घर पर रहती ही हैं। अगर आप लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हो तो आपके घर में होगी होगी, सारे फ्रूट्स ही यूज़ किए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे शुगर केन जूस, ग्रेप जूस, लेमन जूस, एप्पल जूस और कोकोनट मिल्क। ग्रेप जूस बनाने के लिए आप ग्रेप्स ले लीजिए 3-4 और उनको पीस लीजिए, हाथ से ही मसल लीजिए तो उनका रस निकल आएगा। एप्पल जूस के लिए आप एप्पल को पीस लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। कोकोनट मिल्क नहीं हो तो आप कोकोनट मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ग्रेप जूस लिया है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देती हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि अगर बहुत कम क्वांटिटी लो तो वो कैमरे पर दिखाई नहीं देती है। तो आप लोगों को 1 टीस्पून ही लेना है, उससे भी कम ही लीजिए। पर जितने भी चीज़ें यूज़ करनी है वो सारी इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ, नहीं तो कैमरे पर दिखाई नहीं देगा और समझ नहीं आता है कि ये है क्या। तो अब इसमें मिक्स कर रही हूँ, ग्रेप जूस है, इसमें शुगर केन जूस यूज़ मिक्स कर रही हूँ। तो मैं इसको भी ज़्यादा ही मिक्स करना पड़ेगा। फिर ये लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ये है एप्पल जूस और फिर कोकोनट मिल्क। तो इसको भी मिक्स कर देंगे। और ये सारा मिक्स कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके बस स्किन पे लगाना है। 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है और फिर इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इसको लगा लीजिए, इसके ऊपर लगा लीजिए। और इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप 8-10 दिन में एक बार कर लीजिए। या तो मैं इसको अपने हाथों से ही लगा रही हूँ, आप ब्रश की मदद से इसको अपने स्किन पर लगा सकते हो, अपने फेस पर पूरे अच्छे से एक लेयर लगा लीजिए मोटी सी। और इसको 15-20 मिनट तक लगे रहने देंगे और फिर वॉश कर लेंगे। जब आप इसको लगाते हो तो हो सकता है थोड़ी सी झंझनाहट आपको हो, ज़्यादा कुछ अगर बहुत ज़्यादा होती है तो प्लीज़ इसको वॉश कर लीजिए। इतनी ज़्यादा झंझनाहट नहीं होती है, पर हल्का सा थोड़ा लगता है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें मिक्स की गई हैं। तो इसमें जो चीज़ें मिक्स की गई हैं उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टरिक एसिड्स। तो आपको ये तीनों एसिड्स की गुडनेस मिल जाएगी, जो कि एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी है, स्किन से ब्लेमिश दूर करेगी, डेड स्किन दूर करेगी, स्किन को हाइड्रेट करेगी और रिफ्रेश करेगी।
ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सबके पास अवेलेबल हो, तो जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उनको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक बहुत ही इजी से मास्क भी शेयर करने वाली हूँ जो आई होप आप लोग यूज़ कर पाएंगे। उसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ यूज़ होने नहीं वाली हैं पर स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जो मैं मास्क शेयर करने वाली हूँ वो ड्राई स्किन वालों के लिए है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये मास्क उनकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ड्राइनेस को कम करेगा, स्किन पे ग्लो लाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है हनी और शुगर केन जूस। इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। 1 टीस्पून आपको हनी लेना है और 1 टीस्पून आपको शुगर केन जूस करना लेना है। इनको अच्छे से मिक्स करके आप अपने स्किन पे इवनली लगा लीजिए। 15-20 मिनट लगे रहने दीजिए और वॉश कर लीजिए। तो है ना बहुत ही इजी, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। गर्मियां हैं, स्किन टैन तो हो ही जाती है, तो अगर आपकी भी स्किन टैन हो गई है तो आप लीजिए पपाया। पपाया आपको पका हुआ पपाया लेना है और उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। 1 टीस्पून ही लेना है, जितनी क्वांटिटी ही लीजिएगा, और 1 टीस्पून आपको लेना है शुगर केन जूस। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और जैसे कि आप पैक लगाते हो उतना ही 10-15-20 मिनट तक लगा लीजिए और वॉश कर लीजिए, फिर देखिएगा अपने चेहरे का ग्लो। अब स्किन को एक्सफोलिएट किए बिना तो हमारे स्किन की डेड स्किन रिमूव नहीं होती है। स्किन में अगर आप जान डालना चाहते हो तो एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर की ही चीज़ों से अगर हम एक्सफोलिएट कर लें उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए है, आपको कॉफ़ी, शुगर केन जूस, और आप लेमन जूस या फिर संतरे का रस भी आप ले सकते हो। संतरे के रस में और जो लेमन जूस होता है उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छा कलर निखारने का काम करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर दीजिए, फेस पे लगाइए, हल्के हाथों से 5-10 मिनट तक आप मसाज कीजिए और अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो हम एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी और शुगर केन जूस। आपको मुल्तानी मिट्टी में शुगर केन जूस मिक्स करना है, उतना मिक्स कीजिए जितने में वो अच्छे से पेस्ट बन जाए, एक अच्छा पेस्ट बन जाए, और आप अपने इसको फेस पे लगा लीजिए। अगर आप पूरे फेस पे नहीं लगाना चाहते हो तो जहाँ जहाँ पिंपल्स का प्रॉब्लम है आप वहाँ लगा लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर 1 वीक तक कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब से जब भी गन्ने का रस पीने जाओ थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगाने के लिए ज़रूर बचा लेना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। और प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा काम किया। और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।